तो अगर आप लोगों का बजट है 15,000 के आसपास का एंड आप लोग कोई टैब देख रहे हो तो आप लोगों के पास दो बहुत ही तगड़े ऑप्शन आते हैं। पहला था आपका नोकिया का T20 टैब एंड दूसरा था अपना रियलमी की तरफ से रियलमी पैड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं दोनों टैब को कंपेयर करने वाले हैं एंड बताने वाला हूँ कि कौन सा आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन रह सकता है इन दोनों टैब में से। वैसे मैं आप लोगों को शुरुआत के अंदर बताऊं, अगर आप लोगों को थोड़े से पैसे वगैरह बचाने एंड आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी या फिर एक ऐसा टैब ढूंढ रहे हो जो आपको थोड़ा सा पतला थोड़ा सा हल्का वगैरह मिल जाए, अच्छा खासा प्रोसेसर वगैरह मिल जाए एंड आपको वीडियो कॉलिंग वगैरह ज़्यादा करनी होती है, देन आप लोग रियलमी पैड को ले सकते हो। बट वहीं अगर आप लोग को एक ऐसा टैब चाहिए जहाँ पर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा तगड़ा चाहिए, आप लोग बाहर ज़्यादा यूज़ करते हो टैब को, यानी कि घर के बाहर आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आप लोग नोकिया के टैब को ले सकते हो। एंड अगर आपको प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टैब लेना है तो आप लोग नोकिया के टैब की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। मैंने अपना पूरा वॉइस टाइम खत्म कर लिया शुरुआत के अंदर ये बता के, तो भी आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। हेलो सुल्तान, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो टैब का कंपैरिजन करने वाले हैं उन दोनों टैब का नाम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, बट आगे की वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। वैसे हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कर दो, चाहे सब्सक्राइब कर दो वीडियो को अपने फ्रेंड या शेयर कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। स्पीड बताओ कैसी लगी, आ गया स्वाद? बस बंद करो अपना ये ड्रामा। तो भी सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने नोकिया के टैब से, शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको मिल जाती है 6.4 इंचेस का 2K पैनल, मतलब पूरा 2K नहीं है, 2K से थोड़ा सा कम, फुल HD प्लस से ज्यादा, दोनों के अंदर आपको सेम पैनल मिलता है, तो उधर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी बात करते हैं, इधर आपको जो पीक ब्राइटनेस मिलती है आपको 400 nits की मिल जाती है, IPS पैनल मिलता है, बेजल्स वगैरह आपको डिसेंट मिल जाते हैं, यानी कि आप लोगों को फिंगर रेस्ट वगैरह इजिली हो जाएगी, उधर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 224 की आप लोगों को PPI मिल जाएगी, जो आपको बैक मिलेगी मेटल की मिलेगी, बैक साइड में आपको सिंगल सख्त कैमरा मिल जाएगा। एंड वही बात करते हैं टैबलेट के फ्रेम की, तो भाई इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि मेटल का फ्रेम आपको मिलता है, प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है, बट जैसे ही मेरे को कुछ पता चलेगा मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा। बात करते हैं अपने रियलमी के पैड की, तो उधर भी आपको सेम साइज की डिस्प्ले मिलती है 10.4 इंचेस का, वही 2K वाला पैनल जो आपको 2K से थोड़ा सा कम, फुल HD प्लस से ज्यादा मिल जाता है, IPS पैनल मिल जाता है। इधर आपको जो ब्राइटनेस मिलती है आपको थोड़ी सी कम मिलती है नोकिया के टैब से, यानी कि इधर आपको मिलती है 360 nits की पीक ब्राइटनेस, उसी के साथ IPS पैनल मिल जाता है, बेजल्स वगैरह आपको दोनों टैब के अंदर डिसेंट मिल जाते हैं, बट आपको थोड़ा सा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर मिल जाता है रियलमी के टैब के साथ। बात करते हैं बैक की, तो रियलमी के टैब के अंदर या फिर रियलमी के पैड के अंदर आप लोगों को जो बैक मिलते हैं मेटल की मिलती है, बैक साइड में आपको सिंगल सख्त कैमरा मिल जाता है एंड इसके जो आपको फ्रेम भी मिलते हैं वो आप लोगों को मेटल या एल्यूमिनियम कुछ भी बोल सकते हैं उसके आपको मिल जाते हैं। एंड दिखने में मेरे को पर्सनली रियलमी का पैड ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा पतला भी मिलता है, थोड़ा सा हल्का भी मिलता है, एंड इसके अंदर जो कलर है ना सिल्वर सा या ग्रे जो भी कलर है, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। वहीं आपको नोकिया के टैब के अंदर सिर्फ एक ही कलर मिलता है ब्लू सा, जो पर्सनली मेरे को कुछ इतना खास लगा नहीं। बात करते हैं कैमरे की, शुरुआत करते हैं अपने नोकिया के साथ, तो इधर आपको बैक साइड के अंदर सिंगल सख्त कैमरा मिलता है, 8 megapixel का। बात करते हैं सेल्फी की, तो सेल्फी आपको 5 megapixel की मिलती है। नोकिया के टैब से आप लोग बैक साइड से फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं बात करते हैं अपने रियलमी के पैड की, तो इधर आपको बैक साइड में भी 8 megapixel का कैमरा मिलता है एंड फ्रंट साइड में भी आपको 8 megapixel का कैमरा मिलता है, एंड दोनों ही साइड से आप लोग मैक्स फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कैमरा वाइज मैं बोल सकता हूँ कि आपको रियलमी का पैड थोड़ा सा बेटर मिल जाता है, अगर आप लोग वीडियो कॉलिंग वगैरह ज्यादा करते हो तो आप लोगों के पास रियलमी का पैड बेटर ऑप्शन हो जाता है। वही चलते प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ, तो नोकिया के टैब के अंदर आप लोगों को यूनिसॉक का प्रोसेसर मिलता है, P610 का, जो आपको 12 nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, माली G52 का आपको GPU मिलता है। वहीं बात करते हैं अपने रियलमी के पैड की, तो रियलमी के पैड के अंदर आपको मिलता है MediaTek G80 का प्रोसेसर, जो आपको 12 nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, माली G52 का आपको GPU मिलता है। तो प्रोसेसर वाइज आपको दोनों ही टैब काफी अच्छे मिलते हैं, बट अगर मेरे को कोई एक पिक करना होता प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर तो मैं रियलमी को पिक करता, क्योंकि G80 या फिर MediaTek पे मेरा पर्सनली ट्रस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा है एंड G80 थोड़ा सा आपको बेटर भी मिल जाता है यूनिसॉक से अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो। वहीं चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ, तो नोकिया के टैब के अंदर आपको मिलती है 8200mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 15W की फास्ट या स्टैंडर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 10W का स्टैंडर्ड चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं अपने रियलमी के पैड की, तो इधर आपको मिलती है 7100mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 18W का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। अगर आपको ज्यादा तगड़ा बैटरी बैकअप चाहिए ना तो आप लोग नोकिया के टैब की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इधर आपको बैटरी काफी अच्छी मिल जाती है mAh वाइज, यानी कि आपको जो कैपेसिटी मिलती है काफी अच्छी मिल जाती है, बट उसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, मतलब मैं उसको फास्ट नहीं बोलना चाहूंगा भाई जी, चलो मान लो मेरे पास चार्जर नहीं है तो मैं 10W से ही चार्ज करूंगा एंड अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होने
होने वाला है अगर मैं इस 8000 की बैटरी को 10 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करूंगा तो। वही बात करते हैं रियलमी की, तो रियलमी में आपको थोड़ा बैटरी बैकअप कम मिलेगा बट हाँ आपका टैब थोड़ा सा जल्दी चार्ज हो जाएगा अगर आप लोग इसको नोकिया से कंपेयर करते हो तो, क्योंकि फास्ट चार्जिंग भी आपको ज़्यादा मिलती है, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, बैटरी एमएच भी कम है जिस वजह से आपका टैब थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाएगा रियलमी का। बात करते हैं अपने नोकिया के टैब के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी, eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाएगा, फोन आपको 470 ग्राम का मिल जाएगा 7.8 mm की थिकनेस के साथ, इधर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाएगा, अपडेट वगैरह के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इधर आपको वाइडवेल L1 का सपोर्ट नहीं मिलता, उसी के साथ इधर आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाता है एंड इधर आपको डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, भी पता नहीं भाई कौन सी प्रोटेक्शन वगैरह बट हाँ कुछ तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। बट इस टैब के साथ एक दिक्कत है कि इस टैब के अंदर आप लोगों को ना वाईफाई के इशू वगैरह मिलते हैं, यानी कि जो इसकी वाईफाई की सिग्नल कैच करने की कैपेसिटी आप लोग समझ सकते हो थोड़ी सी बेकार है, अगर आप लोगों का रूटर पास में या राउटर पास में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी बट हाँ अगर किसी और रूम में आप लोग किसी और रूम में यूज करोगे अपना टैब तो आपको अच्छी खासी दिक्कत होने वाली है। बात करते हैं अपने रियलमी के पैड के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आप लोगों को 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, इधर आपको चार स्पीकर मिल जाएंगे, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी, eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, रियलमी UI मिल जाएगा, टैब आपको 6.9 mm की थिकनेस के साथ मिल जाएगा, 440 ग्राम का मिल जाएगा, इधर आपको कार्ड स्लॉट मिल जाएगा एंड उसी के साथ इधर आपको वाइल्ड वाइल्ड L1 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अभी बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो नोकिया के टैब के अंदर आप लोगों को यहाँ पर हम ना वाईफाई वाले वेरिएंट ही कंपेयर करेंगे, बेस वेरिएंट यानी कि जो होते हैं वाला कंपेयर करेंगे, बाकी दोनों ही टैब के अंदर आप लोगों को 4G का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो 4G वाले का प्राइस आप लोगों को दोनों के अंदर 18000 के आसपास का मिल जाएगा 4GB रैम 64GB की रोम के साथ, वो आपकी मैं स्क्रीन पर आपको शो कर दूंगा। बाकी बात करते हैं बेस वेरिएंट की वाईफाई वाले की, शुरुआत करते हैं अपने नोकिया के टैब के साथ, तो इधर आपको 3GB रैम 32GB की रोम मिल जाती है 15000 के प्राइस पे, एंड बात करते हैं अपने रियलमी के पैड की, तो इधर आपको 3GB रैम 32GB की रोम मिल जाती है 14000 के प्राइस पे, एंड ये जो मैंने आपको प्राइस बताया ना ये आपको वाईफाई वाले वेरिएंट का बताया, यहाँ पर आपको सिर्फ वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, सिम के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता, तो अगर आप लोगों को सिम भी यूज करनी है तो आप लोगों को 18000 वाला वेरिएंट परचेज करना पड़ेगा दोनों ही टैब का, यानी कि इन नोकिया के अंदर 8500 का एंड रियलमी के अंदर आपको 8000 का मिल जाता है, उधर आपको 4GB रैम 64GB की रोम मिलती है, एंड ऐसा सीन नहीं है कि भाई अगर आप लोग सिम यूज करोगे तो आप लोग वाईफाई यूज नहीं कर पाओगे, आप लोग वाईफाई सिम दोनों साथ में यूज कर पाओगे। अभी ना हम लोगों ने स्पेसिफिकेशन प्राइस वगैरह सब चीजों की बात कर ली, बट अब बात करते हैं भाई कौन सा टैब कहां पर आगे निकलता है। देखो डिस्प्ले एंड डिजाइन के अंदर डिजाइन वाइज मेरे को पर्सनली रियलमी का ज्यादा पसंद है, थोड़ा सा पतला थोड़ा सा हल्का वगैरह भी मिल जाता है, एंड नोकिया के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आपको बाहर यूज करना है यानी कि आपको जो पीक ब्राइटनेस मिलती है आपको थोड़ी सी बेटर मिल जाती है अगर आप लोग इसको रियलमी के पैड से कंपेयर करते हो तो। बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरे वाइज भाई मेरे को रियलमी का पैड ज्यादा अच्छा लगा। अब मैं इधर ये नहीं बोलूंगा प्रोसेसिंग वगैरह पे काम करोगा, क्योंकि भाई हम बेसिकली जो यूज करते हैं टैब का वो हम लोग इसलिए करते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करना या फिर हमें वीडियो कॉलिंग वगैरह करनी है तो इसलिए काम में आता है, तो इधर मेगा पिक्सल ज्यादा मैटर हो जाएगा क्योंकि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग ज्यादा करनी होती है, एंड इसके अंदर मैं भी नहीं बोलूंगा कि भाई EIS वगैरह वाला सीन, क्योंकि हम लोग भाई टैब को मैक्सिमम टाइम रखकर ही वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, कुछ भी क्लास वगैरह अटेंड कर रहे हैं तो ऐसा सीन नहीं है, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आपको रियलमी का पैड बेटर मिल जाएगा कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी गेमिंग ज्यादा करनी है, मतलब दोनों में गेमिंग हो जाएगी बट थोड़ी सी अगर आपको अच्छी गेमिंग करनी है तो आप लोग रियलमी के टैब की तरफ या फिर रियलमी के पैड की तरफ जा सकते हो, दोनों के अंदर कुछ मेजर फर्क नहीं है बट स्टिल भाई MediaTek पे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा है, एंड जो आपको G80 मिलता है आपको स्लाइटली बेटर भी मिल जाता है अगर आप लोग इसको यूनिसोक से कंपेयर करते हो तो। बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी के अंदर अपना नोकिया का टैब बिल्कुल आगे निकल जाता है क्योंकि इधर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है जिस वजह से आपको बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलने वाला है, कोई भी ब्लोटवेयर्स वगैरह तो दोनों ही टैब के अंदर वैसे आपको नहीं मिलते बट स्टिल आपको बैटरी बैकअप बेटर मिल जाएगा नोकिया के टैब के साथ, क्योंकि इधर आपको जो बैटरी कैपेसिटी मिलती है यानी कि बैटरी एमएच मिलती है वो भी आपको बेटर मिलती है, एंड स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह की होने की वजह से यहाँ पर आपको जो बैटरी कंजप्शन रहने वाला है काफी कम रहने वाला है। बट आपने रियलमी के पास एक प्लस पॉइंट ज्यादा डिस्प्ले के अंदर की तरफ वाइड वेल L1 का सपोर्ट मिलता है जो काफी ज्यादा सही चीज है, जो आपको नोकिया के टैब के साथ नहीं मिलता, मे भी अपडेट में पुश वगैरह कर देंगे बट अभी तो नहीं मिलता जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूं। अभी नोकिया के पास भी एक दो प्लस पॉइंट और जाते हैं, जैसे कि इधर आपको अपडेट वगैरह काफी लंबे टाइम तक मिलेंगे, उधर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली, एंड नोकिया के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा, कोई भी ब्लोटवेयर कोई भी एड्स वगैरह नहीं मिलेगी, तो एक ये चीज हो जाती है, एंड नोकिया का ना हाथ अपडेट के अंदर काफी ज्यादा तगड़ा रहता है तो ये चीज भी काफी तगड़ी हो जाती है। तो अगर आपको ओवरऑल एक ऐसा टैब चाहिए जहां पर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, आपको डिस्प्ले में मतलब आपको बाहर ज्यादा काम करना होता है यानी कि आप लोगों को घर पे वीडियो कॉल वगैरह कम अटेंड करनी है, बाहर ज्यादा करनी होती है, आपको बाहर सर्वे वगैरह कुछ भी करने होते हैं, तो आप लोग नोकिया के टैब की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आपको ऐसा टैब चाहिए जहां पर आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चाहिए, आप लोगों को वीडियो कॉलिंग वगैरह ज्यादा करनी है, घर पे बैठ के करनी है, एंड आपको थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह भी करनी है, तो आप लोग रियलमी के पैड की तरफ जा सकते हो, एंड अगर आपको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी चाहिए तो आप लोग रियलमी के पैड को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो भी अगर मेरे को इन दोनों टैब में से कोई एक टैब बाय करना होता तो मैं इधर रियलमी के पैड को बाय करता, क्योंकि ये थोड़ा सा
ज्यादा बजट फ्रेंडली हो जाता है एंड इसके अंदर आपको कैमरा भी अच्छा मिल जाता है जो वीडियो कॉलिंग के टाइम पर ज्यादा काम आने वाला है। एंड मैं घर के अंदर ही टैब को यूज करता हूँ तो उधर भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बैटरी मेरे लिए इनफ है, थोड़ा सा जल्दी चार्ज हो जाएगा, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, एक दिन तो बैटरी बैकअप मेरे को डेफिनेटली मिल जाएगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको दोनों में से कौन सा टैब अच्छा लगा, आपकी कुछ भी रैप अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, सकते हो Instagram पे फॉलो कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।